ओम शांति, आप सबका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं 29 अगस्त की गौरी बसिंग की रिकॉर्डिंग। और आज परमपिता परमात्मा ने आज की गौरी बसिंग के वरदान में कहा क्या है, और कहा स्पेशली है कि हमें अपने ज्ञान के रत्नों को डोनेट करना है, बांटना है। क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी चीज़ जब आप बांटते हो तो बढ़ती है। अगर आप देखें भक्ति मार्ग में, तो अगर आप धन का डोनेशन देते हो तो धन बढ़ता है। अगर आप किसी चीज़ का, कपड़ों का, घर का, मकान का, किसी चीज़ का भी डोनेशन देते तो वो मल्टी फोल्ड होकर के आता है। परमात्मा चाहते हैं कि हम इसी तरीके से कुछ और चीज़ का डोनेशन दें। देखें परमात्मा चाहते क्या हैं। परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान, गुण और शक्तियों से संपन्न बन दान करने वाले महादानी भवा। पहले तो खुद को ज्ञान होना चाहिए, पहले खुद के अंदर गुण होने चाहिए, पहले खुद के अंदर शक्ति होनी चाहिए, तभी तो हम दान कर पाएंगे। किसी को सहन करना कैसे सिखाना है वो तभी हम कर पाएंगे जब हम खुद सहन कर पाएंगे। किसी को नम्र कैसे रहना है सिखाना है तो पहले खुद के अंदर नम्रता होनी चाहिए। किसी को अगर सिखाना है कि प्यार से कैसे बात करना है, प्यार से कैसे काम करवाना है, तो पहले खुद के अंदर वो गुण होना चाहिए। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सारे दिन में जो भी आत्मा संबंध संपर्क में आए, उसे महादानी बन कोई ना कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुण का दान दो। अब किसी को अगर प्रॉब्लम हो रही है कि निर्णय लेने में प्रॉब्लम हो रही है, क्या करना चाहिए सिचुएशन में, कैसे करना चाहिए, उसमें परखने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, और कैसे वो जो आउटकम है उससे डिटैच होकर के अपने आप को सोचने की शक्ति, ताकि लोभ बीच में ना आ जाए, कि लोभ के कारण हम डूब ना जाए, तो लोभ को कैसे कैंसिल आउट किया जाए, और अहंकार को कैसे कैंसिल आउट किया जाए, और नम्रता को कैसे लाया जाए, और फिर निर्णय लिया जाए, उसको कहते हैं विवेक, जो कि दिल और दिमाग दोनों से होगा। तो परमात्मा चाहते हैं कि अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो आप उनको ऐसे गुण, ऐसी शक्तियाँ, ऐसा ज्ञान बांटें। दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना। आप किसी को मदद कर रहे हैं किसी सिचुएशन, किसी प्रॉब्लम से निकलने का। आपके पास ज्ञान का खजाना भी है तो शक्तियों और गुणों का खजाना भी है। कि इस समय हमें नम्र रहना है, इस समय हमें बहुत ही प्यार से बात करना है, इस समय हमें लॉयल्टी से काम करना है, इस समय हमें बिल्कुल रॉयल रहना है, इस समय हमें कम बोलना है, इस समय हमें अच्छे से मास्टर होकर के हर चीज़ का हक से कहना है। ये सारी चीज़ें कहनी चाहिए। तो परमात्मा कहते हैं तीनों में संपन्न बनो, ज्ञान में, गुण में और शक्ति में। पहले खुद को, अपने आप को संपन्न बनाओ, यूज़ करो इन सारी चीज़ों को, अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करो, और औरों को फिर बांटो कि करना कैसे है, हम्बल कैसे रहना है, सहन शक्ति कैसे बढ़ानी है, प्यार से कैसे बात करना है, काम कैसे करवाना है प्यार से। ये सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, लेकिन पहले अपनी लाइफ में करें इसको। फिर परमात्मा कहते हैं तीनों में संपन्न बनो, एक में नहीं। कैसी भी आत्मा हो, गाली देने वाली, निंदा करने वाली भी हो, मिलते हैं कि नहीं मिलते, ऐसे लोग मिलते ही हैं, उससे भी अपनी वृत्ति, मतलब अपना एटीट्यूड व स्थिति द्वारा गुण दान दो। ये बहुत ही ऊंची स्टेज है, पर लेवल वन पे तो पहुँचे हैं, जहाँ पर कि हमें क्या करना पड़ता है कि कोई चिल्ला रहा है, गाली कर रहा है, गंदा बोल रहा है आपको, लेकिन आप चुपचाप बैठे हुए, आप सहन कर रहे हैं, और आपने अंदर कंट्रोल कर लिया कि आपके अंदर उसके प्रति कोई ना बदला लेने की भावना है, ना उसको नीचे दिखाने की भावना है, ना उसको उसके ऊपर भड़ास निकालने की भावना है। सेकंड लेवल, वो कुछ कह रहे हैं गंदा, कुछ कह रहे हैं भला बुरा, कह रहे हैं आपको भला तो क्या, बुरा ही कह रहे हैं आपको, निंदा कर रहे हैं और के सामने आपकी, लेकिन आप उनके प्रति शुभ भावना रख रहे हैं, आपको तरस आ रहा है उनकी कमजोरी पर। और फिर तीसरा लेवल, वो कह रहे हैं सब कुछ, गाली कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं आपके ऊपर, जब वो शांत हो जाते हैं तब भी जा करके आपके अंदर उनके प्रति कुछ नेगेटिव नहीं है, आप जाकर उनसे प्यार से बात करते हैं और उनको सही दिशा देते हैं, सही समझ देते हैं और अपने रिश्ते को बनाए रखते हैं। ये तीसरा लेवल हो गया। लेवल 3 तक पहुंचना है, मुश्किल भी नहीं है और आसान भी नहीं है, लेकिन हो सकता है। सिखाया जाता है आपको ब्रह्मा कुमारी इसमें, कि आप सीखना चाहेंगे इस कला को, अगर सीखना चाहते हैं तो ज़रूर चाहिए और सीखे इसको। इसके साथ ओम शांति।